इस मौके मुल्क दे विच कई नौजवान नौकरी दी भाल दे विच घूम रहे हैं, थां थां इंटरव्यू दे रहे हैं, पर इस दे बावजूद भी उन्हां नूं नौकरी नहीं मिल पा रही है। जबकि कुछ नौजवान एहो जे भी हन जिन्हां कोल डिग्री तां है पर रोजगार नहीं, ते कुछ एक डिग्री ते रोजगार होण दे मौके मिलण तों बाद भी घट सैलरी दे विच काम करन दी इच्छा नहीं रख रहे हैं। पर कुछ एक एहो जे भी हन जिहड़े लख कोशिशां कर रहे हन ते नौकरी नहीं मिल रही है, ते इस तों हताश ते निराश होके हुण कुछ नौजवान अपने आप ही रोजगार दे साधन भाल रहे हैं, ते इस नूं ते अपने आप ही काम भी शुरू कर रहे हैं। दस दिए कि पिछले दिन ही मुल्क भर दे विच कई सोशल मीडिया ते लोकी वायरल हो रहे सी, जिन्हां ने सिक्ख्या तां काफ़ी चंगी हासिल कीती होई आ, पर हुण कोई चाह दा ठेला लगा रहा है ते कोई सवेरे शाम ढाबा चला रहा है, ते एहो दियां वीडियो लगातार सोशल मीडिया ते खूब वायरल भी हो रही ने। ते हुण जो तस्वीरां तुसी वेख रहे हो, ये तस्वीरां बिहार दे बेगुसराय जिले दे एक नौजवान दियां हन, जो पढ़ लिख के नौकरी दी भाल दे विच थां थां तां गया पर उस नूं रोजगार नहीं मिलिया, ते उस तों बाद उसने स्वरोजगार नूं ही चुन लिया ते लोकां लई हुण ओह प्रेरणा दा स्रोत बन रहा। दरअसल असी गल कर रहे हां बिहार दे बेगुसराय जिले दे मोहम्मद जहांगीर दी, जो कि सीटेट दी प्रीख्या पास कर चुका है, पर उस तों बाद भी उस नूं किथे नौकरी नहीं मिली। ए उस दा कहना है ते हुण उसने स्वरोजगार नूं ही अपना रहा ते लगातार उस पासे हुण अपने कदम पढ़ा रहा। ते इस वीडियो नूं सांझा करदे होए वरुण गांधी ने लिखा है कि कोई भी काम छोटा ते बड़ा नहीं हुंदा, पर दुख दी गल है कि एक कुशल ते शिक्षित नौजवान योग्यता ते क्षमता दे मुताबिक उस नूं रोजगार दा अवसर नहीं मिल रहा। जबकि मुल्क भर दे विच 60 लाख तों भी वध खाली पोस्टां हन ते सीटेट पास करके नौजवान रिक्शा चलाउण नूं मजबूर हन। इह साडी संसद दी संयुक्त असफलता है। पर दस दिए कि जहांगीर हुण नौकरी दी भाल दे विच थां थां घुम्मण वाले लोकां लई प्रेरणा दा स्रोत भी बन रहा। दरअसल मोहम्मद नूं जदों नौकरी नहीं मिली तां उसने सीटेट दी प्रीख्या पास रिक्शा वाले दे नां ते अपना रिक्शा चलाना शुरू कर दिता, ते जदों उसने सीटेट प्रीख्या पास रिक्शा वाला फट्टा अपने रिक्शा ते लगाया ते उस दा वीडियो जदों लोकां ने सोशल मीडिया ते पाया तो लगातार वायरल हो रहा। तस्वीरां दे विच भी कुछ तुसी इस तरह दा ही लिखिया वेख सकदे हो। ते हुण लोकां वल्लों इह तस्वीरां ते इस स्वरोजगार दा साधन काफी वायरल कीता जा रहा। ते कुछ लोकां दा इह वी कहना है कि कई लोक हुंदे हन जो पढ़ लिखण तों बाद भी इन्ने पॉपुलर नहीं हुंदे, और रिक्शा चला के ना सिर्फ कमाई कर रहा बल्कि इलाके दे विच काफी फेमस भी हो रहा, ते इत्थे तक कि खेतर दे विच गुज्जण वाले लोग उस नूं आदर ते सम्मान भी दिंदे हन। ते मोहम्मद जहांगीर दा भी ये कहना है कि रिक्शा ते बैठ के ओह अपने आप नूं काफी चंगा महसूस करदा है। ते इलाके दे लोकां दा कहना है कि भगवानपुर थाना खेतर दे चंदौर दे रहण वाले जहांगीर किसे दी पहचान दे हुण मोहताज नहीं है, ते ओह लगातार पिछले 2 महीने तो रिक्शा चला रहा है ते अपने परिवार दा गुजारा कर रहा। ते जहांगीर दा ये भी कहना है कि जिन्हां नौजवानां नूं नौकरी नहीं मिली ओह हताश ते निराश ना होण बल्कि स्वरोजगार दे राह ते आउण, ताकि अपणियां दे नाल नाल ओह होरां नूं भी रोजगार दे साधन उपलब्ध करवा सकण। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जगवाणी टीवी।